नदी का बहाव बहुत तेज हो चुका है तो बारिश का पानी पीना पड़ेगा, बचाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। गाइस ये चेक करो, गाइस ये शिव आएंगे। साबुन उबुन लगा कर पूरा एकदम फिट हूँ। तो हे गाइस, इट्स मी अमरजीत, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मघी राइडर में। गाइस तो गाइस कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे। और गाइस जो भी हमारे चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मघी राइडर का इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए और हमारा लुक देख सकते हैं, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं गुप्ता धाम और यहाँ से निकलेंगे, 12 बजे ट्रेन है, अभी 11:30 हो रहा है, आधा घंटा टाइम है, तो सोचे कि यहाँ पे इंट्रो दिया जाए। और अभी हम लोग पार्किंग में रुके हुए हैं जहानाबाद रेलवे स्टेशन का। और गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी, और ये हम लोग का और भैया का दुकान। आइए आप लोग स्टेशन के दाम सामने डिस्काउंट दे दीजिएगा। और गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अभी, अभी हम लोग निकलने वाले हैं बाबा गुप्तेश्वर नाथ के। हमारी मंडली जो है तैयार हो गई, रेडी हो गई है, और पीछे हम लोग का मंदिर बड़ा भगवान मंदिर जहानाबाद रेलवे कैंपस में। और एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। और गाइस फाइनली हम लोग का ट्रेन आ चुका है जहानाबाद से, और कुछ खास भीड़ नहीं है। बोल गाइस फाइनली हम लोग सासाराम पहुंच चुके हैं, और वेटिंग हॉल में रात में थोड़ा 1-2 घंटा सो लिए थे। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहां से चलेंगे हम लोग ऊपर, देवर का रास्ता है आज। हमारे भाई लोग यहां पे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, हम लोग जलेबी और लिट्टी का जलेबा है, और यहां पे हम लोग जलेबी और लिट्टी खा रहे हैं, और खाने के बाद यहां पे नाश्ता वास्ता करके और निकले गर्मा गर्म जलेबी खा रहे हैं और लिट्टी निमक खा रहे हैं। गाइस यहाँ से चढ़ेंगे मंदिर में गोल लगकर, और गाइस यहाँ से अभी हम लोग चढ़ेंगे ऊपर, स्टार्ट हो रहा है जर्नी हम लोग का, और दिन भर का सफर है आज, दिन भर चढ़ने में लगेगा। और थोड़े से आगे आए हैं और थक गए हैं, पानी ले लिए हैं साथ में, और यहाँ से निकलेंगे अभी। और गाइस यार हालत खराब हो गया है, थोड़े ही दूर आए हम लोग और पूरा थक गए गाइस। और थोड़ा आराम कर रहे हैं, पीछे का व्यू चेक करो आप लोग, और इतना ज़्यादा खड़ा खड़ा है ना गाइस, पूरा पहाड़ खड़ा खड़ा है। फिर चलिए चलते हैं। और गाइस ये देखिए बाबा पहाड़ के अंदर। गाइस यार ये व्यू चेक करो, बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से, नीचे का व्यू चेक करो, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे अभी नहाएंगे, और नहाने के बाद फिर से दोबारा यहाँ से चढ़ा जाएगा ऊपर, बहुत ही ठंडा पानी आ रहा है यहाँ पे। पीछे का व्यू चेक करो आप लोग, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है हम लोग का, चारों देख सकते हैं आप लोग, और इधर झरना, झरने का पानी, ये तो छोटा है और इससे भी बड़ा बड़ा दिखाएंगे आप लोग, ब्लॉग में बने रहो, देख सकते हैं यार हम लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। बनाओ
भाइयों बहनों, मैं नहाकर साबुन उबुन लगाकर पूरा एकदम फिट। और गाइस यहाँ से हम लोग निकलेंगे, नहा लिए हम और बहुत ही ठंडा पानी था गाइस, क्या बताएं यहाँ का। आप लोग भी आइए गुप्ता धाम में, एंजॉय कीजिए। यहाँ पे झरना है, नहाइए। और आगे और है एक झरना सीताकुंड, वहाँ भी नहाएंगे हम लोग। वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा गाइस, और यहाँ से थोड़ा फ्रेश हो लिए हम लोग। देख सकते हैं झरना, और नीचे देख सकते हैं एकदम गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे बांदर बहुत सारा है, बच्चा के साथ बच्चा भी लिए हुए। हमको डर लगता है, हम लिट्टी नहीं बांटेंगे, मुझे भी बांटेंगे। घर आओ ना बढ़िया से, कोई दिक्कत ना है ना कुछ करते। दीजिए दीजिए, नहीं काटे गाइस, नहीं काट, बच्चा ले ले। शिव आएंगे तेरे काम सुबह सुबह ले, शिव का नाम कर ले बंदे। और गाइस यार हम लोग बहुत ज्यादा थक गए, और यहाँ पे आराम कर रहे हैं सभी लोग, और नाश्ता वास्ता करेंगे और निकलेंगे। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी है, और यहाँ पे हर जगह पे आप लोग को पानी मिल जाएगा, नदी जैसा थोड़ा थोड़ा, इस पे सुकून मिलता है। पैर धोइएगा ना आप लोग तो पूरा थकान मिट जाएगा, एकदम लगेगा कि कुछ है ही नहीं, कुछ लगेगा कि कुछ है ही नहीं, चले ही नहीं, थक रहा है। और गाइस रास्ता में छोटे मोटे दुकान मिलता रहेगा खाने पीने के लिए, पानी वानी मिलता रहेगा। ऊपर में गांव है पूरा एक, और गांव वाले ही पूरा दुकान लगाते हैं, खाने पीने का भी सामान लगाते हैं पूरा। खाना यहाँ बहुत ही टेस्टी रहता है, आप लोग खाइए, क्योंकि गैस का उपयोग नहीं होता यहाँ, प्योर चूल्हा और भी लकड़ी का जंगल से सब काटता है और उसी से बनाता है। और गाइस देख सकते हैं बादल कितना, मौसम एकदम सुहाना हो रहा है, धूप भी नहीं है और छाँव भी नहीं है, नॉर्मल है एकदम। हम लोग चल रहे हैं अभी, और बहुत ही प्यारा मौसम किए हुए है। थोड़े ही दूर और है बस पहुँचने वाले हैं, 15 किलोमीटर के करीब होगा, 15 या 20 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं फिर, एक और व्यू चेक कराते हैं हम लोग आप लोग का। आइए इधर देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, और नीचे चलेंगे हम लोग। जितना नीचे जाते रहिए एकदम पूरा खंडर है, और यहाँ पे फोटो शूट करवाएंगे हम लोग। ओह पूरा गाइस थक गए हैं, और ऐसा ऐसा सीन देखने के लिए आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि देख सकते हैं झरना का भी आवाज़ आ रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग कितना खड़ा खड़ा पहाड़ है, और यहाँ से गुजरना पड़ेगा हमको, बस थोड़े ही दूर है और हम पहुँचने वाले हैं। एक नदी आएगा, उसको भी पार करना पड़ेगा, देखते हैं उसमें कितना पानी है, और ज़्यादा पानी रहेगा तो फिर कपड़ा खोल कर जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कम पानी में भर पैर तक रहता है पानी। और बहुत ही दूर है गाइस, पीछे का व्यू चेक कर सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारा आ रहा है वहाँ से, बादल से व्यू अच्छा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गया, और गाइस हम लोग का प्लान है कि आज ऊपर चढ़ा जाए जल उल चढ़ा कर। बारिश हो रहा है, और हम लोग प्लास्टिक लिए हुए थे से पूरा एकदम व्यवस्था के साथ हम लोग जा रहे थे, और देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो गया, और हम लोग फिर भी जा रहे हैं धीरे धीरे। बारिश होने लगा तो प्लास्टिक से काम नहीं चला, तो अभी हम लोग एक है दुकान जो कि बंद है, यहाँ रुके हुए हम लोग, और बारिश छूटेगा तो निकलेंगे फिर से। और थोड़े दूर पे नदी है, और नदी के पार करने के बाद बस 1 किलोमीटर बाद आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा थक गए गाइस। और ये चेक करो पूरा खड़ा पहाड़, यही पहाड़ से हम लोग आए हैं ऊपर से एकदम ऐसा करके, और नीचे, और अभी हम लोग रुके हैं, और अभी थोड़ा और नीचे जाना है,
बारिश छूटेगा तो फिर हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सभी लोग हमें बहुत गर्मी और पानी ऊपर कहीं नहीं मिल रहा तो बारिश का पानी पीना पड़ेगा आज हम लोग को, क्योंकि पानी कहीं नहीं मिल रहा ऊपर। सिर्फ खाना वाना भी बंद हो गया ऊपर ऊपर, सब दुकान बंद है देख सकते हैं। यही पानी पीना पड़ेगा। और गाइस देखिए कौन पिएगा। और बहुत तेज बारिश हो रहा है गाइस, बारिश में निकल चुके थे और नदी पर आ चुके हम लोग। थोड़ा बहुत पानी चलो हाथ पकड़ो, अरे भाई हाथ पकड़ो आगे पीछे, उसे चला आगे चलना तेल दिल के लिए देख सकते हैं चारों ओर नदी का बहाव, नदी का बहाव बहुत तेज हो चुका है यहाँ पे। ऊपर ब्रिज थोड़ा डैमेज है इसलिए चलो चलो बीच में क्या कर रहा है और बारिश भी आ चुका है। लखिया बहुत ज्यादा बहुत तेज था इसीलिए हम लोग वापस गए। पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका है, पानी बहुत गहरा था गाइस इसीलिए हम लोग रिटर्न ले लिए। और देख सकते बहुत ज्यादा बारिश होने लगा, असली एडवेंचर यही है हम लोग का। और ऊपर से जाएंगे फिर बहुत ज्यादा पानी का बहाव आ चुका है, बाढ़ भी आ सकते हैं। चलो 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 अरे बाबू रोबो नहीं, रोबो नहीं बाबू रोबो नहीं। हाँ हाँ बाढ़ आ जाएगा तुरंत, ऊपर धरने वाला है ना वो। चलो और बहुत ही खतरनाक एडवेंचर यहाँ पे, लकड़ी भी टूट सकता है। हर हर महादेव। ओ भाई बहुत ही डरावना यहाँ से, आप लोग नीचे देखिए सीन नदी का, पूरा नदी आ चुका है। हाँ भाई अरे हिलाने से कह रहे, अरे हिला मत भाई। और फाइनली हम लोग पार हो चुके हैं, बहुत ही खतरनाक मंजर से हम लोग गुजरे हैं, क्या ही बताएं आप लोग को। तो गाइस देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी आ रहा है। और पीछे भाई सब थे बता रहे थे कि बाढ़ आ जाएगा, जल्दी निकलिए यहाँ से। और इधर आप लोग चेक कीजिए एकदम कितना पानी है, पानी है। इधर रास्ता एकदम सेम था, एक थोड़ा सा भी पानी नहीं था और बस आधा घंटा पानी हुआ पड़ा। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकदम पानी आ रहा है सभी जगह से, और सभी लोग भींग गए हैं। भाई धीरज भाई भींग गया है और सभी लोग भींग गए, फिर भी बचने का ट्राई कर रहे हैं। कुछ कपड़े वगैरह कपड़े हैं, कपड़ा मोबाइल है उसको
बचाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं रवि भाई भी है, दो लोग बैग लिए हुए हैं, ले लिया हमको बैग के गाइस, ये चेक करो गाइस, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश में जाने से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसी स्थिति में लोग फंस सकते हैं, बहुत ही डरावना मंजर है, थोड़ी देर में सैलाब भी हो सकता है, पहाड़ी इलाका है, कुछ भी कहा नहीं जा, और आंटी भी बच्चे लेकर जा रहे हैं, पानी बारिश नहीं है, मौसम को देख के ही आए लोग, अभी फंसे हुए हैं मौसम में, भारी बारिश है, पानी का सैलाब बहुत ज्यादा है बहाव, और ये गरीब लोग अभी हैं गांव के लोग, देखिए पूरा पहाड़ छोड़कर जा रहे हैं लोग, आप लोग नीचे जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, और ये लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि पानी ना बहुत तेज हो जाता है यहाँ पे, कभी भी बाढ़ आ सकता है, बाढ़ की स्थिति बन सकती है, इसीलिए सभी लोग जितना दुकानदार वाले थे ना वो सभी नीचे जा रहे हैं अभी धीरे धीरे करके, एडवेंचर हो गया हम लोग का आना, और मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, लगभग एक घंटे से बारिश हो रहा है यहाँ पे, और क्या बताएं क्या मंजर है यहाँ पे। भाई आप लोग आ गए दर्शन करके? आ गए? अच्छा दूर है, थोड़ा दूर है, अच्छा अच्छा, बोल बोल। और गाइस देख सकते हैं क्या ही मंजर है, इधर से चारों तरफ से पानी आ रहा है, और यहाँ नदी कहीं भी आप लोग कहीं भी बाढ़ आ सकता है क्योंकि पहाड़ों में कोई कहना नहीं है, इतना डरावना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अब वो बैठ कर दिखाते हैं आप, देखिए यहाँ पे यहाँ से पानी आ रहा है और थोड़ा सा पानी का आनंद ले रहे हैं हम लोग, देखिए हमारे भाई लोग भी जा रहे हैं और यहाँ से भैया ये मजा कहीं नहीं मिलेगा भाई आप लोग को, कंटा यार ऐसे मत किया करो, और बहुत ही इंजॉय ले रहे हैं हम, कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि सामने देखो ना सामने, ओ गॉड देख सकते हैं आप, ओहो हाँ भाई बोलो बोलो, ये अपना बिहार है गाइस, जो कि आप लोग नहीं देखे होंगे, देखिए हमारे कैमरे में अगर दिख रहा होगा आप लोग को, तो कितना ज्यादा बादल से धुआं निकल रहा है गाइस, हम लोग नदी पार कर रहे हैं अभी, गर्म पानी है, गर्म पानी अभी आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा, आप लोग कुछ एंजॉयमेंट के लिए हम यहाँ भी बैठ सकते हैं, अरे भाई ये सब थोड़ा बहुत पानी है, ज्यादा नहीं है नदी में, लेकिन पानी यहाँ पे रहता ही नहीं था बिल्कुल भी, हम लोग पिछले साल आया था ना तो पानी नदी में बहुत कम था, और अभी तो बहुत ज्यादा पानी है, देख सकते हैं कितना ज्यादा। और गाइस फाइनली हम लोग रोड पे आ चुके हैं, भयंकर मंजर से हम लोग बच गए हैं, बाढ़ की स्थिति बना हुआ था, और काफी खुश नसीब है जो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, शीतल कुंड है आगे, शीतल कुंड का नज़ारा ना इस वक्त बहुत ही भयानक हुआ होगा, क्योंकि ना इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, सभी जगह से पानी इकट्ठा होकर झरना में गिरता है, शीतल कुंड का भी दृश्य दिखाएंगे आप लोग को, देखिएगा और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, एकदम हमारा आना ना पूरा एडवेंचर हो गया, बारिश ने माहौल ही चेंज कर दिया हमारा, बारिश में ना हम आप लोग तो हमारे पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे कि बारिश में हम कितना एंजॉय करते हैं, कभी भी बारिश होता है तो हम घर से निकल जाते हैं बाइक लेकर या पैदल भी कहीं भी निकल जाते हैं, क्योंकि बारिश में घूमना बहुत पसंद है हमको इसीलिए। और गाइस यार फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप लोग चेक कीजिए, मंदिर पहुंच चुके हैं, ये रहा, और ये नया बना है, पिछले साल आए थे, ये पुल नहीं था, नदी पार करके जाना पड़ता था, देख सकते हैं ये नदी था, और अब तो इस साल पुल बन गया है, और ये रहा मंदिर जो कि गुफा में, और गुफा में गाइस ऑक्सीजन नहीं रहता है गाइस, ये चेक करो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर, और पहाड़ में मंदिर है, और गाइस ये रहा ऑक्सीजन सिलेंडर, और अंदर में पड़े हुए रहता है गैस, क्योंकि तो अंदर में गैस नहीं रहता, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको, और ये पहाड़ का व्यू चेक करो आप लोग, बहुत ही भयानक है, यहाँ से हम प्रसाद लेंगे, और प्रसाद ही साथ लेकर अंदर चलते हैं फिर,
जल लेंगे यहाँ से। और गाइस यहाँ पे जालू ले लिया हम लोग, गुफा के अंदर चलेंगे अभी हम लोग। बोल बम बोल बम बोल बम। और गुफा में एंट्री लेनी है गाइस हम लोग। कमांडर आए भैया, कमांडर हो और ऑक्सीजन यहाँ पे। चलो मने अभी हम लोग गुफा में और नीचे जा रहे हैं। पूरा ऑक्सीजन कम रहा, हालत खराब हो जाएगा। और गुफा बाबा भी आ रहे हैं, इधर से रास्ता बन रहा है। और देख सकते हैं कितना खतरनाक है गुफा में। और गाइस ये चेक करो, वाटरफॉल यहाँ से दिखने लगा शीतलकुंड का। और बस थोड़ा ही दूर है और हमें पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं कितना ऊपर से गिर रहा और बहुत ही प्यारा व्यू आएगा इसका, क्योंकि बरसात है ना, पानी पड़ा है तो पानी का गति तेज रहेगा। और गाइस ये व्यू चेक करो, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और यहाँ दो वाटरफॉल चालू हो चुका है। इसमें हम लोग पिछले साल आए थे तो थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, और इस साल तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है क्योंकि बारिश हुआ है। और इसका तो कहना ही नहीं है, ये तो सालों गिरते रहता है। गाइस ये चेक करो गाइस, यहाँ नहाने का मजा ही तो चला गया।